नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, एक वीवो का फ़ोन है, Y53 ये फ़ोन है। और ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, नो सर्विस है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। देखिए, नो सर्विस है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसमें जियो का सिम लगा हुआ है। ये सेट आया था टेक्नीशियन से, बन के भी आया था, स्टूडेंट का भी है, जैसा भी है। तो मैं आपको बता दूं, ये फ़ोन में नो सर्विस है। ये आपका, अब आपको सब सारी चीज़ें पता ही होगा, नेटवर्क में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों कि आपको इसमें लिस्ट पता करना होता है कि हमारा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होता है। आपको यहाँ पे वोल्टेजेस चेक करने होते हैं कि हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप कैपेसिटर्स देख रहे होंगे, बहुत सारे कैपेसिटर्स, उसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये सारा चीज़ अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जितने सारे दिख रहे हैं आपको रजिस्टर्स, और आपको दिख रहे हैं इसमें WTR लगी हुई है, PFO लगा हुआ है, RF लगे हुए, सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं दोस्तों। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये दोस्तों मैं बता दूँ, ये कनेक्टेड है और इस फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो हम आपको सारा चीज़ दिखाएंगे, इसका सलूशन बताएंगे कि कहाँ से आप क्या चीज़ कर सकते हैं। तो ये मैं एक चीज़ और अपडेट कर रहा हूँ, ये जो आपको कैपेसिटर्स दिख रहे हैं इसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, क्या कैसा आना चाहिए, कहाँ से आते हैं, अगर ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फोन में हम WTR जो कि आपको पहले दिखाया गया है, इसमें हम दोस्तों आपको बता दें, इसमें हम इसमें WTR इसकी चेंज करेंगे और इसमें इसकी नेटवर्क जो नो सर्विस की प्रॉब्लम थी आ जाएगी। बस आपके सामने इसका प्रैक्टिकल आपको लाइव दिखाएंगे कि हमने WTR चेंज की है और इसमें नेटवर्क आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसको देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2965 इसकी IC नंबर है, और यहाँ पे इसकी WTR जो कि हमने पहले आपको दिखाया हुआ है, इसकी WTR हम इसकी चेंज कर रहे हैं। इसकी WTR से ही प्रॉब्लम होता है, कॉलकॉम का सेट है, कॉलकॉम में WTR लगे होते हैं, WTR हाल के अलग अलग नंबर से आते हैं, तो इसे आपको हिट करके और इसकी WTR आपको निकालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसी फ़ोन की हम WTR जो कि आपको शुरू में हमने दिखाया हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें WTR को हम चेंज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपको इसका एक सोल्यूशन मिल जाएगा। वीवो Y53 एक सेट था जिसमें CPU कॉलकॉम लगा हुआ है। अगर कॉलकॉम का CPU होगा, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए आपके IC निकल चुकी WTR, इसके सारे बॉल्स भी सब अच्छे हैं। पर जब आप इसको IC को निकाल रहे हो तो आप ध्यान से करेंगे, अब इसको क्या कहते हैं, इसके आसपास के जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड जो भी दिख रहे हैं, आप इसको ये निकलने नहीं चाहिए। अगर निकल जाएंगे तो अपना वो सही से फ्रिक्वेंसी नहीं बना पाएगी, और रजिस्टर जो लगे हुए हैं इनमें वोल्टेजेस क्या आते हैं 1.8, और ये अभी हम नई IC को डाल रहे हैं। आप हमेशा एक बार रिवॉल्व करके देख लें, पर ये जो ICs होती हैं, WTR होती हैं, इनको आपको चेंज करना होता है। ये रिबॉलिंग से नहीं आती हैं, ये हम दूसरी IC लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपडेट कर दूं कि आपको इसमें नई IC ही डालनी है। आप इसमें रिबॉल्व करेंगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो IC ख़राब हो जाती हैं। तो आप इसमें WTR जो भी है उसमें नई WTR ही लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम इसमें WTR नई लगा रहे हैं। अब ये लगने के बाद हम आपको दिखाएंगे सेट में हमारे नो सर्विस का प्रॉब्लम जाता है कि नहीं जाता है दोस्तों, देखते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो भी है नए वीडियो आते रहेंगे, आपको इसमें मिलते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेट था, ये आपके सामने इसकी WTR चेंज हुई है, और दिखाते हैं आपको कि इसकी सर्विस आती है कि नहीं आती, नेटवर्क आता है कि नहीं आता है, वही सेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको दिखाया था, इसमें सारी चीज़ें आपको, इसमें जो वर्क किया हमने, काम किया था, इसमें WTR चेंज हुआ था। जैसा कि हमने, ये वही सेट है जो नेटवर्क नो सर्विस लिख रहा था। अब इसमें देखिए 4G लिख करके आ रहा है, Jio 4G करके मैसेज भी आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका 100% सोल्यूशन है, और अच्छी तरीके से जानना है तो अब क्या करना है बताइए। अगर अच्छी तरीके से प्रॉपर नॉलेज लेना है, सही लाइनों को जानना है, क्योंकि इसमें WTR चेंज हुआ है, जो कि आपने देखा भी था इसमें नो सर्विस था, तो अब आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो क्या करना है बताइए। ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें एक्चुअल WTR क्यों चेंज करते हैं वो आपको पता है कि नहीं पता है? जी सर।
और इसमें कैसे चेंज करते हैं, क्या चेक करना होता है, वो सारी चीजें हम वीडियो में तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो सारी चीजें अगर आपको प्रॉपर तरीके से जानना है तो आप ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फोन देख सकते हैं वीवो का वही Y53 है जो कि नो सर्विस लिखा हुआ था, और यहाँ पे ये प्रॉपर इसमें नेटवर्क आ चुका है। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन तो ये बता सकते हैं कि हमने इसका WTR चेंज किया है, जो कि आपको प्रैक्टिकल दिखाया है लाइव चेंज करते हुए। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।